अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन, और जैसा कि आप लोगों को पता है, पोको ने पाकिस्तान में धूम मचा दी है। पहले पोको X3 और उसके बाद पोको M3, बहुत अच्छी डिवाइसेस, बहुत अच्छी प्राइस के अंदर। सबसे जो अच्छी चीज़ है पोको की, प्राइजेस बहुत अच्छी होती हैं। अभी तक जो डिवाइसेज आई हैं पोको X3 हमने देखा, बहुत अच्छी प्राइस के अंदर हमें मिली, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी। इसी तरह पोको ने M3 को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है, मिड रेंज किलर डिवाइस है, बहुत अच्छी स्पेक्स हैं और सबसे अच्छी इसकी प्राइस है। ये है मेरे पास डिवाइस, 4GB रैम विद 128GB रोम की डिवाइस, जिसकी प्राइस है 28,000 रुपीज़। जबकि इसका जो 4GB रैम है, 64GB रोम का वेरिएंट है, उसकी प्राइस सबसे अमेजिंग रखी गई है 24,500 रुपीज़। तो उसकी प्राइस को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि 24,500 के अंदर आपको 662 चिपसेट, फुल HD प्लस डिस्प्ले, और इसके अलावा आपको यहाँ पे 6000 mAh बैटरी। तो की स्पेक्स बहुत अच्छी हैं। चलते हैं, अनबॉक्स करते हैं पोको M3 को, देखते हैं डिवाइस कैसी है, बॉक्स में ऐसी सीरीज क्या मिल रही है, स्पेसिफिकेशन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें, ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये है हमारे पास पोको M3 का बॉक्स, येलो कलर का बॉक्स है। 6000 mAh की बैटरी को यहाँ पे मेंशन किया गया है, और साइड पे भी कोई स्पेसिफिकेशंस मेंशन नहीं है, बैक साइड बिल्कुल ब्लैक है, सिंपल है। और नीचे की साइड पे देखते हैं तो कलर मेंशन है मेरे पास, ये कूल ब्लू कलर है, कूल ब्लू कलर हमें मिल रहा है। 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट है, और कलर्स तीन आए हैं यहाँ पे, ब्लू, ब्लैक और येलो कलर, ब्लू, ब्लैक और येलो कलर तीन कलर्स आए हैं। तो पहले हम ये रैपिंग उतार लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर एक कवर रखा हुआ है, जिसपे मेंशन है पोको। अच्छा, इसके अंदर यकीनन हमारे पास, बैक साइड से खोलते हैं, सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल है, उसके बाद इसके अंदर काफ़ी भारी हो रहा है, यकीनन सिलिकॉन केस होगा, वारंटी कार्ड है, ये कुछ क्विक इन्फॉर्मेशन है, पेपर वर्क है सारा, इतनी मोटी बुक है, भारी, और एक सिलिकॉन केस है। अच्छा जी, इसको साइड पर रख देते हैं। फिर है हमारी डिवाइस पोको M3। यहाँ पे इन्होंने इसके कवर पे भी चार चीज़ हाईलाइट की हैं, 48MP AI ट्रिपल कैमरा, ट्यूनिंग नाइट मोड भी मेंशन है, 6000 mAh की बैटरी विद 18W फास्ट चार्जिंग, इसके अलावा 6.5 inch फुल HD प्लस डॉट ड्रॉप डिस्प्ले, डुअल स्पीकर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662, 11nm बेस्ड एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर, ये चीज़ हाईलाइट की हैं। अच्छा, हम यहाँ पे रैपिंग उतार लेते हैं सबसे पहले इसकी, और ये है मेरे पास इसका ब्लू कलर, कूल ब्लू नाम दिया है इन्होंने, खूबसूरत लग रही है डिवाइस। अच्छा, डिवाइस को मैं ऑन करता हूँ, जब तक डिवाइस ऑन हो रही है, ये आ गया है पोको का लोगो, जब तक डिवाइस ऑन हो रही है मजीद कंटेंट देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है इस बॉक्स में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक चार्जर भी है, जिसकी कनेक्टिविटी टाइप सी है, टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ केबल है मिल रही है हमारे पास, और है चार्जर, चार्जर की हम यहाँ पे पावर देख लेते हैं, चार्जर की हम यहाँ पे पावर देखें तो ये 22.5W मैक्सिमम इसकी पावर है, 22.5W, लेकिन यहाँ पे मेंशन है डिवाइस सपोर्ट करती है 18W, लेकिन आपको ज़्यादा चार्जर मिल रहा है 22.5W मैक्सिमम, तो ये अच्छी बात है कि फास्ट चार्जिंग आपको ज़बरदस्त मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, तो ये चीज़ें हैं, हैंड फ्री नहीं दी गई यहाँ पे भी, मैं समझ रहा था हैंड फ्री भी होगी, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर ऐसा बनाया है जैसे हैंड फ्री होगी, लेकिन ये हमें सिर्फ ऐसी सीरीज मिल रही है, ये आई थिंक जगह को उन्होंने कवर करने के लिए बॉक्स बनाया है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसी सीरीज हमें मिल रही है बॉक्स में पोको M3 की। डिवाइस को ऑन करते हैं और डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। तो डिवाइस यहाँ पे ऑन हो गई है पोको M3। सबसे पहले आपको फर्स्ट लुक दे देता हूँ डिवाइस का। राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स मिल रहे हैं, वॉल्यूम रॉकर्स के साथ पावर ऑन ऑफ की मिल रही है, और यही फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, यानी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। अप साइड पे देखें तो ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5mm का, इसके साथ स्पीकर भी मिल रहा है, और IR ब्लास्टर भी लगाया गया है, ये दोनों चीज़ें। अच्छा, डुअल स्पीकर है, तो ऊपर की साइड भी स्पीकर मिल रहा है और डाउन साइड पे भी मिल रहा है स्पीकर। लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे यहाँ पे मिल रही है, निकाल के देखते हैं स्लॉट हमारे पास कौन सी होगी। हाँ, मेरे ख्याल से 3 कार्ड स्लॉट ही होगी यहाँ पे, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 3 कार्ड स्लॉट ही है, 2 नैनो सिम और एक डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है मेमोरी कार्ड के लिए।
यानी आपको 128 GB के वाले स्टोरेज वाला मेरे पास ये यूनिट है, लेकिन आप स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के। 256 GB तक का कार्ड सपोर्ट करती है डिवाइस। इसके अलावा डुअल सिम का ऑप्शन हमें मिल रहा है। अच्छा, डाउन साइड पे देख लेते हैं। डाउन साइड पे हमें मिल रहा है एक स्पीकर, एक और यानी डुअल स्पीकर है, चार्जिंग जैक मिल रहा है जो कि टाइप सी कनेक्टिविटी यहाँ पे हमें मिल रही है। अच्छा, इसके अलावा बैक साइड पे देख लेते हैं। बैक साइड यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने को बताया ब्लू कलर है, तीन कलर्स के अंदर आई है डिवाइस, एक ब्लू कलर है, एक येलो कलर है और एक ब्लैक कलर है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर येलो कलर होता तो ज़्यादा अच्छा था, तो येलो कलर भी आपको किसी वीडियो में दिखाएंगे। आप लोगों को कौन सा कलर अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पे थोड़े से चेंजेस की गई है डिज़ाइन के अंदर, आप देख सकते हैं एक बड़ा इन्होंने यहाँ पे फ्रेम बनाया है। कैमरे यहाँ पे तीन है यानी ट्रिपल कैमरा सेटअप है विद LED फ्लैश, लेकिन ये एक बड़ा फ्रेम के साथ पोको का डिज़ाइन बनाया गया है जो कि इसको मनफरद बनाता है इसके डिज़ाइन को, और अच्छा भी लग रहा है। चेंज किया है, काफ़ी टाइम से हम इसी तरह के छोटे छोटे फ्रेम देखते थे कैमराज वाले, इस दफ़ा इन्होंने बड़ा फ्रेम बनाया है, डिज़ाइन चेंज किया है। आप देखना ही है कि इस डिज़ाइन को कॉपी कौन कौन करता है। अच्छा, इसके अलावा फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पे वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है, 6.5 इंच का हमें यहाँ पर डिस्प्ले मिल रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इस प्राइस रेंज के अंदर भी आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल रहा है। इसके अलावा हमने देखा कुछ डिवाइसेज ऐसी भी थी जो कि ज़्यादा प्राइस रेंज के मतलब इससे ज़्यादा प्राइस रेंज के बाद भी HD प्लस डिस्प्ले दे रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है यानी 1080x2340 पिक्सल्स का यहाँ पे हमें रेजोल्यूशन मिलेगा। IPS LCD को यूज़ किया गया है, लेकिन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन हमें यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे 60Hz का रिफ्रेश रेट होगा। रिफ्रेश रेट को तो हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन टच काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है बिल्कुल। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, यहाँ पे टच काफ़ी अच्छा है 60Hz के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड में आती है डिवाइस, प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन यहाँ पे टेक्सचर डिज़ाइन है, कोई शाइनिंग वगैरह हमें बैक नहीं मिल रही, टेक्सचर डिज़ाइन है। यहाँ पे आपके फिंगर के निशान भी नहीं है और स्क्रेचेस भी नहीं पड़ेंगे, ये अच्छी चीज़ है कि स्क्रेचेस भी नहीं पड़ेंगे इस पर और निशान भी नहीं पड़ेंगे, टेक्सचर डिज़ाइन है। इसके अलावा कैमराज की बात करें, कैमराज भी काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं। मैं जब बात कर रहा हूँ इस प्राइस रेंज की तो मेरा मतलब है इसमें एक 4GB रैम भी, 64GB रोम का वेरिएंट भी है जो कि 24,500 रुपये की प्राइस के अंदर है। तो उस हवाले से भी हम देखें तो यहाँ पे 48 MP का कैमरा है बैक साइड पे मेन कैमरा, और 2 MP + 2 MP के दो कैमरे मजीद लगाए गए हैं यानी ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन इसमें फिर भी 48 MP कैमरा मिल रहा है। कुछ डिवाइसेज ऐसी भी देखी हमने जो कि 30,000-35,000 रुपये के अंदर भी 16 MP कैमरा दे रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कम प्राइस रेंज के अंदर 48 MP कैमरा मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा फ्रंट साइड पे 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर, इन्होंने यहाँ पे नाम दिया है डॉट ड्रॉप नॉच, वाटर ड्रॉप डॉट ड्रॉप एक ही कह सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन स्मॉल नॉच होती है थोड़ी सी ये। इसके अलावा परफॉर्मेंस देख लेते हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है क्योंकि चिपसेट हमें वो मिल रही है जो कि ओप्पो F17 के अंदर 40,000 रुपये की डिवाइस के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, वही चिपसेट यहाँ पे आपको 28,000 और 24,500 रुपये की डिवाइस के अंदर मिल रही है यानी स्नैपड्रैगन 662 की चिपसेट मिल रही है। इसके साथ एंड्रीनो 610 का GPU हमें मिलेगा, 2 GHz का ऑक्टोकोर CPU होगा, और रैम और रोम के वेरिएंट के बारे में मैंने आपको बताया, दो तीन दफ़ा बता दिया कि 4GB रैम विद 64GB रोम और 4GB रैम विद 128GB रोम। इसके अलावा 3 कार्ड स्लॉट भी है, मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। और जो इस डिवाइस की सबसे अच्छी चीज़ है वो है 6000 mAh की बैटरी, एक बड़ी बैटरी आपको मिल रही है इस डिवाइस के अंदर। इसके अलावा आपको बड़ी बैटरी के साथ टाइप सी कनेक्टिविटी मिल रही है, 18W फास्ट चार्जिंग भी है, और यहाँ पे हम देखें तो आउट ऑफ बॉक्स डिवाइस आती है एंड्रॉयड 10 पे, ये हमारे पास एंड्रॉयड 10, और यहाँ पे हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है MIUI 12 मिल रहा है, Xiaomi की तरफ से प्रोवाइड करता है MIUI 12 मिल रहा है। एंड्रॉयड 10 पे आती है डिवाइस, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, स्पेक्स, कैमरा, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी साइड माउंटेड, अभी जो ट्रेंड चल रहा है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का, साइड माउंटेड ईजी भी होते हैं, फास्ट भी होते हैं, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है, और कैमरास, डिस्प्ले, डिज़ाइन, लुक, बैटरी, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। तो यहाँ पे फुली रिकमेंडेड है पोको M3। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी इसका रिव्यू भी करने वाला हूँ, गेमिंग कंपैरिजन भी करने वाला हूँ, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।